हाय एवरीवन, मेरा नाम संस्कार सिंह है। आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, विद इन मतलब वीक हो गया मुझे एक वीडियो अपलोड किए, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं करूँगा, बट कोइंसिडेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी फैमिली इश्यूज थे, थोड़े मेरे खुद के पर्सनल इश्यूज भी थे। मतलब पर्सनल इशू मतलब कुछ और मत समझ लेना, वो कॉलेज वाले जाने आने में थोड़ी दिक्कतें होने लगी थी, क्योंकि कोचिंग काफ़ी दूर पड़ता है मेरे घर से, तो थोड़ा थक जा रहा था मैं, और घर पर भी थोड़ी मेरी सेहत भी सही नहीं थी, तो उसके बाद सब थोड़ी सही हुई है, खांसी वगैरह हो गई थी मुझे, तो मैंने सोचा कि अब वीडियो डालते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर संडे तो मैक्सिमम वीडियो डाल ही दूँ, पर ही अगर मतलब मैं डेली ना डाल पाऊँ तो भी मैं संडे को और वेडनेसडे को कोशिश करूँगा कि फुल लेंथ वीडियो दे सकूँ। देखते हैं, मैं वादा तो नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी भी टेस्ट होते हैं, क्लास और कभी बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकती, बट मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर कि मैं वीडियोस वगैरह सब दे सकूँ। और वीडियो का थोड़ा सा इशू था, खैर छोड़िए वो सब, तो मुझे किसी ने कमेंट में बोला था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है फिजिक्स वाला में। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं फिजिक्स वाला में पढ़ते पढ़ते, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी मतलब बेस्ट कहा भी जा सकता है, वर्स्ट भी नहीं कहा जा सकता, बट काफ़ी बैलेंस्ड मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वर्स्ट में क्या है कि घर से थोड़ा दूर है, जाना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और हम लोग की 1.5 घंटे की 4 क्लासेस होती हैं, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग। 15 मिनट्स के ब्रेक्स मिलते हैं हर 1.5 आवर्स के क्लास के बाद से, बट तो भी इंसान थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है क्योंकि आदत नहीं हम लोग को बिल्कुल। 1 साल से हम लोग ऑनलाइन क्लास करते 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 घर बैठते थे, खाते पीने की आदत, उतना दूर जा के क्लास करने की आदत बिल्कुल छूट चुकी है, तो काफ़ी टैम्पटिंग टाइप का, थोड़ा सा मतलब प्रेशराइज टाइप का हो जा रहा है, और आदत नहीं है हम लोग को, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लासेस मैनेज हो सके। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैं कोचिंग जाता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ज़्यादातर कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप है। मैं ये चीज़ देखा, मुझे बहुत बुरी लगी कि जिसकी 2nd ड्रॉप्स हैं वो जो बच्चे 1st ड्रॉप लेके आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ समझिए, अगर आप लोग 2nd ड्रॉपर हैं तो, कि वो 1st ड्रॉप लेके आया है, उसने 1 साल पूरी क्लास ऑनलाइन की है। मुझे पता है आप लोगों ने 11th 12th भी पूरा पढ़ा है, क्लास में जाके पढ़ा है, आपने 1 साल दे दिया है, फिर 2रा साल लग रहा है आपका, तो ये मत सोचिए कि उस वाले को भी आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। मैं देखता हूँ टीचर को बच्चे प्रेशराइज करने लगते हैं कि टीचर उनके अकॉर्डिंग पढ़ा, टीचर उनके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ा लेगा जब उसके पास 2nd ड्रॉप वाले बच्चे भी हैं, 3rd ड्रॉप वाले बच्चे भी हैं, 1st ड्रॉप वाले भी बच्चे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और आप लोग ये चीज़ समझिए इस चीज़ को कि आप अपने हिसाब से टीचर को नहीं पढ़ने को प्रेशराइज़ कर सकते हैं, टीचर अपने हिसाब से ही पढ़ाएगा, आपके हिसाब से नहीं पढ़ा सकता, उसको सबको देखना है, ये चीज़ समझिए आप लोग। के अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, मैं भूल गया, एक्सपीरियंस का ऐसा रहा है कि देखिए हम लोग सुबह जाते हैं, सुबह मेरी क्लास होती है 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 1st क्लास हम लोग की केमिस्ट्री की होती है। केमिस्ट्री के टीचर के बारे में मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, उनके इतना बेस्ट टीचर मैंने आज तक नहीं देखा है, मतलब वो ऑसम है यार, वो बिल्कुल लिटरली एकदम नेक्स्ट लेवल। आज तक मैंने किसी भी बच्चे से ये नहीं सुना है कि क्लास में कि हाँ, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी को लेकर थोड़ा बहुत बच्चे बोल देते हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ सही नहीं लगी सर ने, आज थोड़ा लेंदी पढ़ा दिया, बट केमिस्ट्री वाले सर को लेकर आप कभी कोई डाउट ही नहीं करता, वो लड़का नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी सर अगर आप लोग देख रहे हैं तो, बट वो सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं ना यार कि बिल्कुल फील आ जाता है केमिस्ट्री का कि हाँ ये केमिस्ट्री है ये, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा फियर था केमिस्ट्री का क्योंकि मेरी केमिस्ट्री वीक है, मतलब अजीब लगेगा बट मेरी केमिस्ट्री वीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट काफ़ी मेरा वीक है, और मैं इसको बाउंड मतलब स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर। उसके अलावा हम लोग का फिर 15 मिनट का ब्रेक होता है जिसमें से अगर हम लोग को कुछ डाउट वगैरह पूछनी हो तो हम लोग पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हम लोग की क्लासेस बहुत बड़े से एक स्क्रीन पर होती हैं, जैसा कि मेरे व्लॉग्स में आपने पहले देखा होगा कि बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है, उस पर हम लोग की क्लासेस होती हैं, टीचर हम लोग को एक वेबकैम के थ्रू देख सकता है जो जस्ट स्क्रीन के ऊपर लगा होता है, और वो क्लियरली हर बच्चे को दिखा सकता है, टीचर अगर चाहे तो वहाँ से जूम भी कर सकता है, देख सकता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। अगर किसी को इन बिटवीन द क्लास डाउट्स होती है तो हम लोग माइक मतलब एक वहाँ पर टीचर होते हैं जो माइक लेके रख, टीचर नहीं कोऑर्डिनेटर होते हैं जो एक माइक मतलब अपने पास रखते हैं, 1 से 2 माइक रखती है, और वो माइक दे देते हैं, बच्चा अपना इन बिटवीन द क्लास अगर डाउट हो तो डाउट पूछ सकता है। देखिए मेरा ये मानना है अगर आप ज्वाइन किए हैं या फिजिक्स वाला ज्वाइन करते हैं कोई भी, आप क्लास के बीच में डाउट्स मत पूछिए, क्योंकि डाउट्स के लिए अलग से एक टीचर बाहर रखा गया है जो कि काफ़ी अच्छा डाउट क्लियर कर लेता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डाउट है कि वो डाउट क्लियर ना कर पाए।
तो वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं बता, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि डाउट है तो बिल्कुल पूछो ही मत। अगर आपको क्लास चलती, क्लास के बीच का अगर सर मानो कुछ पढ़ा रहा है उसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। बट आप कोई क्वेश्चन लेके पहुंच जा रहे हो, सर ये आपने बताया था ये गलत है, तो आप उसके लिए अगर टीचर बाहर रखा है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, डाउट सेल्स के टीचर जो पढ़ाते हैं टीचर, उससे भी ज़्यादा मुझे कभी कभी औसम लगते हैं, क्योंकि वो बहुत फास्ट मतलब डाउट सॉल्व कर लेते हैं आपके। मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 15 डाउट्स हुए थे। मैंने 8 डाउट फिजिक्स के पूछे और विद इन अ 5 मिनट सर ने सारे के सारे डाउट क्लियर कर लिए, और एक बार भी मुझे दोबारा नहीं जाना पड़ा उनके पास। वो इतना अच्छा समझा, ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ, सबके साथ यही सेम सिचुएशन है। बाहर जो टीचर बैठते हैं सेल में, डाउट सेल में, वो बहुत अच्छे से डाउट क्लियर कर लेते हैं। उन लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, मतलब जैसे लगता है कि मतलब उनको वो समझते हैं कि हम लोग क्या नहीं समझ रहे होंगे किस तरीके। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि उसकी वजह से हम लोग की बॉटनी जॉलजी की क्लास होती है जो कि मैम लेती हैं। उसके बाद से हम लोग की 15 मिनट के ब्रेक के बाद के फिजिक्स की क्लास होती है, फिर उसके बाद से जॉलजी की क्लास होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ इन बिटवीन द क्लास कभी कभी टीचर्स कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, बच्चे इग्नोर कर लेते हैं, नहीं सुनते हैं, बट एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हाईली मतलब वर्किंग होती हैं। क्योंकि मैं खुद बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू मैंने देखे हैं, सुने हैं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो जो बोलते हैं वो किस किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, और वो जो चीज़ें बोलते हैं वो एक्चुअली टॉपर्स करते हैं। बच्चों को लगता है कि ऐसा कुछ भी बोल दिया है वो, बट ऐसी बात नहीं होती। वो टीचर इतना हाईली एक्सपीरियंस, इतने साल से पढ़ा रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है बच्चों को। और ये चीज़ समझने वाली चीज़ है और काफ़ी मतलब ज़रूरी भी है कि आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या नहीं करना है। उस दिन पहले ही ऋषभ सर जो हम लोग को जॉलजी पढ़ाते हैं, डॉक्टर ऋषभ नाम है उनका, उन्होंने एक बात बोली कि ये सबको पता होता कि क्या पढ़ना है, पर जिसको ये पता होता कि क्या नहीं पढ़ना है ना, वही निकाल पाता। और ये बात सही भी है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही डिफरेंस हो जाता है। हार्ड वर्क मतलब आप सब पढ़ रहे हो, और स्मार्ट वर्क मतलब आपको पता है कि एक्चुअली इस चैप्टर से इतने पोर्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे बहुत कम पूछा जाता है, ये नहीं पढ़ना है, ये ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है एनसीईआरटी पढ़ते वक्त या कुछ भी पढ़ते वक्त ये ज़रूरी नहीं है, बट मैंने देखा है कि यार एनसीईआरटी इन बिटवीन द लाइन पूछते, इसका ये मतलब होता है कि एक्चुअली वो लाइन दे देता है। और ये पिछली साल के पेपर में भी हुआ है, उसके पिछली साल के भी पेपर में हुआ है, और उसके पिछली साल के भी पेपर में हुआ है, इवन ये KVPY IIT एडवांस IIT मेंस में भी हुआ। मेंस के तो मैंने मेंस का फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया है, तो ये चीज़ हुई थी कि इन बिटवीन द लाइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे केमिस्ट्री में। मैंने मतलब देखे थे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, 3 4 5 6 क्वेश्चन मुझे मिल गए थे। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे मॉड्यूल्स मिल गई थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबकी, टोटल 11th 12th इंक्लूडेड। तो मैं बता देना चाहता हूँ हम लोग को ओवरऑल 30 मॉड्यूल्स मिली हैं, तो मैं यही रखा हूँ मॉड्यूल्स, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक तो ये होती है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 करके 11th 12th की, हमको लगता है 15 मॉड्यूल्स 11th की हैं 15 मॉड्यूल्स 12th की हैं, उसमें से फिजिक्स के केमिस्ट्री के बायोलॉजी के मॉड्यूल्स हैं। और देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, फर्स्ट पेज ऐसा होता है, सेकेंड पेज अगर आप लोग को दिख रहा हो तो कंटेंट ऐसे लिखा होता है, उसके बाद से फिर ये ऐसे होता है। हर चैप्टर के पहले आप लोग को ये बताया होता है कि किस ईयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि मुझे काफ़ी बेटर लगा क्योंकि मैंने बाकी कभी मॉड्यूल्स में देखा नहीं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक QR कोड मिल जाता है, जो कि आपके डाउट्स या कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इसे वोडी सॉल्यूशंस देख सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ लगी मुझे इस मॉड्यूल्स की, हर मॉड्यूल में जो मिला हुआ है हम लोग को। इसके अलावा ये एक बुक है जिसका नाम है एक्सप्लेनेशंस करके है, तो इस बुक की मैं खास बात बता देना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं चैप्टर वाइज। आपको हर चैप्टर में जैसे कि देखिए ये आपको सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग से ही आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बीच में टोटल 70 जैसे हर चैप्टर वाइज के हिसाब से कि कितने क्वेश्चन जरूरी, 68 क्वेश्चन है। इसके वैसे लर्निंग प्लस करके इसमें एक हिस्सा है, उसमें कई सारे क्वेश्चन है, फिर मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर नीट के पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन, देखिए नीट पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन करके है, इसमें आपको काफ़ी मतलब क्वेश्चंस मिल जाता है कि नीट के पास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं, मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी क्वेश्चन मिलता है। उसके अलावा आपको DPPs भी डेली मिल रही हैं, और प्लस आपको टीचर भी अलग से क्वेश्चन दे देता है, तो आपको मतलब फिजिक्स वाला की मटेरियल के अलावा आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बुकें लगानी है तो सर टीचर से आप लोग पूछ सकते हैं, सर हम लोग को बता देते हैं कि अगर आप तुम लोग को बहुत टाइम मिल रहा है तो आप लोग ये बुक लगा लीजिए, ये बुक लगा लीजिए, बट एक्चुअली देखा जाए तुम लोग को टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम लोग मानिए मैं 4 बजे तक पहुँचता हूँ घर पे, 3:30 बजे हम लोग की क्लास छूटती है, 4:10:20 तक मैं पहुँचता हूँ, उसके बाद से हम लोग इतना थक चुके होते हैं, सुबह 9 बजे की क्लास शुरू हुई, 4-3 बजे तक क्लासेज रहती है, हम लोग आके घर पे पहले कोई भी इंसान सोएगा या आराम करेगा थोड़ा सा खाना खा पी के, उसके बाद ही पढ़ सकता है। और उसके बाद से भी आप कितना घंटे पढ़ लोगे, ज़्यादा ज़्यादा 6 घंटे से 7 घंटे, इससे ज़्यादा अगर आप दे दोगे तो मतलब अपने ऊपर आप स्लीप को कभी भी, ये चीज़ मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, स्लीप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना प्रिपरेशन टाइम में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जितना अच्छी तरीके से गहरी नींद लोगे ना उतना ज़्यादा आपका ना लर्निंग लेवल बढ़ेगा, मतलब आप कम भी पढ़ोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है स्लीप साइकिल जो होती है आपकी। जैसा कि मैंने कहा है कि सोना इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कुंभकर्ण की नींद लेके 9 घंटे दाग के एकदम सो रहे हैं, सोना है मुश्किल, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 घंटे की नींद लेनी है, 1 घंटे का नैप कोचिंग के बाद से, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से 45 मिनट का, और 6 घंटे की प्रॉपर नींद, एक प्रॉपर 6 आवर्स का स्लीप साइकिल होना चाहिए, क्योंकि स्लीप साइकिल 3 से 4 फेज में डिवाइडेड होती है। ये भी चीज़ हम लोग को सर नहीं बताई है जॉलजी वाले क्लास में, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है, आप लोग ये चीज़ समझिए, और काफ़ी ज़रूरी ये चीज़ अगर आप लोग बहुत पहले जान जाते हैं कि स्लीप, फूड और एक्सरसाइज वगैरह ये चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी क्रूशियल इम्पोर्टेंस करती हैं, जो कि बच्चे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जो कि मैंने लास्ट टाइम, मेरा इस साल नीट क्लियर हो गया रहता है, बट सिर्फ मेरी इन इसी गलती की वजह से मेरा नीट नहीं इस बार क्लियर हो पाया, क्योंकि मैंने अपने हेल्थ को अंडर एस्टिमेट किया, मुझे जस्ट एग्ज़ाम के 40 दिन पहले फूड पॉइजनिंग हो गई, और मैंने डॉक्टरों को दिखाने के बजाय, क्योंकि मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मैं बीमार पड़ गया। और उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स वाला का जो लखनऊ ब्रांच है उसमें दूसरा ब्रांच भी खुल गया, क्योंकि पूरे इंडिया में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बच्चे, क्योंकि हम लोग लाइव कभी कभी जूम क्लास में दिख जाता है अदर सेंटर्स के भी, सबसे ज़्यादा बच्चे लखनऊ ब्रांच में भरे पड़े हैं बच्चे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बच्चे हैं लखनऊ ब्रांच में, जितना मतलब पूरे इंडिया में किसी भी ब्रांच में नहीं होंगे, सबसे ज़्यादा लखनऊ ब्रांच में मुझे लगते हैं, उसके अलावा जनकपुर में दूसरा, इसके अलावा किसी भी ब्रांच में इतने बच्चे नहीं हैं जितने बाकी जगह हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ देखना, और बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं सबसे चीज़ बता देता हूँ, कोचिंग के जितने भी हम लोग के टीचर्स वगैरह सर लोग होते हैं, जो कोचिंग के मैनेजर वगैरह, या वो लोग भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं, अगर हम लोग को कोई भी इशू होता है ना तो वो लोग बिल्कुल बार बार पूछते हैं कि हो गया रिजॉल्व कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब कोचिंग वाले हम लोग से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रखते हैं हमेशा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह रहती हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे अपना, या यहाँ पे कहीं पे भी अपना इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक दे दूँ, लिंक या मतलब नाम सेट करके रख दूँ, ताकि अगर आपको पर्सनल मैसेज वगैरह करना है तो आप उसमें मुझे कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि कैसा क्या है क्या नहीं है, अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कोई भी डिटेल्स लेनी हो, तो आप वहाँ पर जाके ले सकते हो मेरे से पर्सनल, वैसे मैं कमेंट आप लोग कर दोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका, काफ़ी मतलब ये नहीं होगा कि मैं कमेंट का वो करता, मैं ज़्यादातर अपने कमेंट्स का, ज़्यादा देर का मैं हर कमेंट का अपने रिप्लाई दे देता हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरा चैनल काफ़ी सही, मतलब मुझे लगा नहीं था कि, मुझे तो लगता था 2 से 3 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, बट 40, 10, 20 भी जा रहे हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, बट मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा वीडियोस लाऊं और काफ़ी अच्छे कंटेंट बनाते रहूं। बाकी अब प्रिपरेशन मैं अभी कर रहा हूं, प्रिपरेशन अभी मैच को ज़्यादा यही देखूंगा कि वो बच्चे वहीं ज़्यादा हों जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है वहीं ज़्यादातर मेरी ऑडियंस होगी, और या जो फिजिक्स वाला के फ़ैन हैं या फ़ैन क्लब है, या जो भी फिजिक्स वाला से रिलेटेड लोग हैं या होंगे, या तो नीट एस्पिरेंट्स वगैरह होंगे, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ज़्यादातर सेंटर यहीं अभी रखूँगा, आगे चल के देखते हैं कि कुछ और टॉपिक अच्छा रिलेटेड मिलता है तो उसका कंटेंट बनाएंगे ज़रूर। और मैं आगने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ स्टडी टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे, क्योंकि मैं क्योंकि खुद भी मैं वो चीज़ें फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको भी बता सकूँ कि हाँ आप ये फॉलो कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, और काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा ना कि अगर अच्छे अच्छे चीज़ें बना दी जाए, अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाए आपको, क्योंकि नॉलेज हो किसी को ना शेयर करो तो ये तो पाप टाइप का हो जाता है, इफ़ यू हैव अ नॉलेज यू कैन शेयर टू एवरीवन। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस डेली पढ़े और कोई गैप ना हो। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरे जो सेंटर के हेड हैं
वो कोई और नहीं, द लेजेंडरी फिजिक्स वाला के टीचर सतीश सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और वहीं हम लोग के सेंटर हेड हैं। हम लोग डेली उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। मैं सोचता हूँ किसी दिन कोशिश करूँगा कि मैं उनके साथ एक वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि मतलब एस ऑसम रॉक हो जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं सर की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, सर को बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेज़ करते हैं, उनको काफ़ी बेस्ट टीचर माना जाता है फिजिक्स के, फिजिक्स वाला में। इवन ऑन यूट्यूब मैंने देखा है, इंस्टाग्राम देखा है, वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा जो हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते हैं हितेश सर, हितेश सर के बारे में बता देता हूँ, तो अगर आप लोग उनका इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाती हैं। उसके अलावा उनके यूट्यूब चैनल पर भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिल जाती हैं। और हितेश सर बहुत मतलब वो बहुत जीनियस हैं, क्योंकि वो एक आई तो IITian है, और वो उसी लेवल का पढ़ाते हैं जिस लेवल का IIT में। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद आ रहा था, मैंने सोचा कि मैं सारी डिटेल ज़्यादातर दे सकूँ। अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना नीचे। उसके अलावा मैं अपना इंस्टाग्राम के आईडी का भी कोशिश करूँगा कि मैं लिंक शेयर कर सकूँ अगर, तो मैं कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के भी मैं, और आज से जितने भी लॉन्ग वीडियोज़ हैं, मैं उसके भी शॉर्ट्स बना के पोस्ट कर दूँ, ताकि अगर कोई फुल वीडियो नहीं देख पा रहा है, जिसका किसी के पास टाइम नहीं है, तो शॉर्ट वीडियोस में भी देख सके और जान जाए कि हाँ ये चीज़ें मैंने बताई, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट होगा किसी भी वीडियो का, उसके शॉर्ट्स निकाल के और आपको पोस्ट कर दूंगा इस पे, शॉर्ट्स पे, तो आप काफ़ी इजीली देख सकते हो। और प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो। और मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, देखिए जब अगर मेरा अच्छा होगा तो इंसान खुद ही सब्सक्राइब करेगा। मैं कभी भी किसी को ये नहीं फोर्स करूँगा कि हाँ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बट शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए। थैंक यू।